तो हाय गाइस, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होंगे? ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके भाई खेल खेल में एंड साथ में भाई बेदा के एक और एपिसोड में वापस। तो भाई आज चल रहा है डे नंबर 2 एंड फर्स्ट ऑफ फ्राइडे है भाई। देखें आज के लिए इन दोनों की हमें क्या भाई एडवांस बुकिंग है वो देखने को मिल रही है। एंड डे नंबर 1 में भाई बोथ ने कितना क्लैश ने वो किया है, जो मैंने बताया था, क्या वो राइट होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं? देखो कहना होगा कि भाई अक्षय कुमार स्ट्रगल है वो कर रहे हैं भाई, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक सो आफ्टर कोविड कोई एक्टर है जो हद से भाई ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो भाई कोई और नहीं, वो भाई अक्षय कुमार है। शायद कोई इनके जगह और होता तो भाई इतना कुछ सहन भी नहीं कर पाता। भाई क्या चल रहा है सीरियसली बताऊँ तो मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है कि ये सब ओपनिंग देकर इवन आज का जो एडवांस हुआ है इतना ज़्यादा भाई बुरा हाल है। हाँ मुझे पता है कि नॉर्मल डे है, ड्रॉप तो होने ही वाला था, बट इतना ज़्यादा ये गाइस मतलब कि अभी भी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कल क्या बिजनेस किया है, थोड़ा भाई स्टेट वाइज नंबर है वो देख लेते हैं। खेल खेल का जितने भी शोज है भाई वो ट्रैक हो पाए हैं ऑनलाइन डेटा। दिल्ली की बात करते हैं, 1.35 सीआर बिजनेस किया है एंड ओवरऑल 40% ऑक्युपेंसी रही यस्टरडे की। तो दिल्ली कहना होगा कि अच्छा गया है, बट 40% ऑक्युपेंसी इंडिपेंडेंस डे के दिन केवल 4000 शोज में, क्या लगता है आपको ये अच्छी है? आई थिंक सो तो बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में 1.09 सीआर बिजनेस, केवल 30% ऑक्युपेंसी। अभी महाराष्ट्र यहाँ पे बॉलीवुड कहना होगा कि गढ़ है भाई, ये गढ़ है, यहाँ पे केवल 1.10-1.15 लाख के आसपास ऑनलाइन आ रहा है। मतलब कि 1.25-1.30 लाख पकड़ लो आप, मैक्स टू मैक्स इतना ही होगा बिजनेस। तो ये 30% ऑक्युपेंसी वेरी डिसेंट भाई, वो भी नेशनल हॉलीडे था, इंडिपेंडेंस डे था। नॉर्मल डे ज़्यादा तब भी हम थोड़ा सा भाई एग्री कर देते। गुजरात 30 लाख बिजनेस, 13% ऑक्युपेंसी। कर्नाटका 29 लाख बिजनेस, केवल 34% ऑक्युपेंसी। यूपी में 227 शोज में 22 लाख बिजनेस, 23% ऑक्युपेंसी। वेस्ट बंगाल 116 लाख बिजनेस एंड 24% ऑक्युपेंसी। ये कुछ मेन मेन स्टेट वाइज मेजर सेंटर थे, यहाँ पे थोड़ा अच्छा बिजनेस किया है। एंड टोटल ऑफ नियरली 5.50 सीआर नेट प्रोडक्शन का फाइनल अर्ली एस्टिमेट हमें देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि मेकर्स आज ऑफिशियली फिगर भी देंगे जो ये बिजनेस किया भाई खेल खेल ने? बिग बजट है भाई, देखो अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है तो भाई 100 करोड़ से नीचे बजट नहीं हो सकता हर एक मूवी का जो भी। एंड 5.50 करोड़ ओपनिंग डे बिजनेस, वेरी डिसेंट ओपनिंग है भाई। 4000 से ज़्यादा शोज़ का हूँ, ऐसा भी नहीं है कि ऑल ऑफ शोज भरे भरे गए हैं तो स्पेस नहीं था एंड बिजनेस नहीं कर पाई, नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। OMG 2 5000 शोज़ थे, मतलब कि 1000 शोज़ आए थे कंपेरिजन टू यहाँ पे ये खेल खेल में। एंड याद है ना आपको इंडिपेंडेंस डे 17 करोड़ से ज़्यादा भाई नेट बिजनेस किया था, 17 करोड़+ नेट किया था। मुझे अभी भी याद है वो दिल्ली में 92-95% ऑक्युपेंसी थी इवनिंग आफ्टरनून की, इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं। इवन आप मुंबई देख लो, अभी देखो जाके बेंगलुरु सिटी काफ़ी अच्छी ऑक्युपेंसी थी, इवन हैदराबाद में जितने भी शोज ग्राउंड थे। एंड यहाँ पे देखो भाई 30-40-50-60 जा रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो विद ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा भाई की हुई है इन्होंने। 5.50 करोड़ ओपनिंग भाई, वो भी होली डे के दिन। 22-23-24 की बात करें, कई सारे ऐसे एक नॉर्मल प्रोजेक्ट भी थे जैसे कि जरा हट के जरा बच के 5-5.5 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल में ओपनिंग थी। सत्य प्रेम की कथा, कार्तिक आर्यन की भाई शहजादा एक रीमेक पिक्चर, इससे भी ज़्यादा ओपनिंग थी। तेरी बातों में ऐसा उजाल जिया, भाई कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिनका ना हाथ है ना पैर है, वो भी भाई कई गुना बेटर ओपनिंग ले रहे हैं भाई इनसे। इवन क्रियू पिक्चर आई थी एक नॉर्मल डे में भाई धमाका करके वो पिक्चरें गई हैं, और यहाँ पे देखो भाई ये स्ट्रगल कर रही है। अक्षय कुमार कहना होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने हर एक जोनर्स भाई ट्राई कर रही है। आफ्टर कोविड एक्शन ले लो आप, बायोपिक ले लो आप, ये कॉमेडी ले लो आप, हर एक जोनर्स भाई उन्होंने ट्राई कर दिया। वट भाई कहना होगा कि उनको सक्सेस नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक सो भाई उनको अभी थोड़ा सीक्वल में फोकस करना चाहिए, जैसे कि वेलकम 3 ले लो, जोली LLV 3, हाउसफुल 5 ले लो। तो इससे पहले अगर उनका कोई प्लान है यहाँ पे कोई पिक्चर रिलीज़ करने का तो आई थिंक सो वो भाई गलत है। ये स्काई फोर्स भाई कर दो आगे पूछ, सबसे पहले वेलकम 3 रिलीज करो, कोई भी करो, हाउसफुल 5 करो, वेलकम 3 ये हो गया वगैरह, बट ये सब करने अब रिलीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। पब्लिक ने आपको भाई पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी है, अभी के टाइम वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपको देखने के लिए, बिकॉज सब भाई आपने कहना होगा कि एक विश्वास तोड़ दिया है। क्यों? आपने एज ही मूवी साइन की, करते गए आपका जो स्टार्डम था ओपनिंग डे का वो नीचे गिरता गया और एज ऑफ नाउ काफ़ी गिर चुका है एंड वो इंटरेस्ट नहीं बचा है। एंड जो आप पिक्चर भाई साइन करते हो
स्टोरी के बीच में दमखम नज़र नहीं आता है किसी को भी, तब भी भाई ये सब चल रहा है। और अच्छी पिक्चरें भी आपकी कभी कभी बीच में पिट जाती हैं खराब मूवी साइन करने के कारण। लास्ट 24 आवर्स की बात करें बुक माई शो में तो 65.42 के टिकट्स हैं भाई वो सोल्ड आउट हुए हैं। एंड बेदा की बात करें तो लगभग 80,000 टिकटें बिकी हैं लास्ट 24 आवर्स में। यहाँ पे देखो भाई दोनों के बीच में क्या हमें गैप देखने को मिल रहा है। अब बेदा जैसे पिक्चर भाई इनसे आगे जा रही है और भाई हम क्या ही कहें भाई क्या ही बोल सकते हैं भाई इसके बारे में। एंड डेट नंबर 2 एडवांस बुकिंग की बात करें तो नियरली 70 लाख के आसपास है, 70 लाख एडवांस बुकिंग है यहाँ पे खेल खेल की। एंड कल के दिन अगर हॉलीडे नहीं होता तो पिक्चर 2-2.5 करोड़ के आसपास ओपनिंग लेती, ये मेरी तरफ से भाई कन्फर्म था 2 से लेकर 2.5 करोड़ के आसपास। मैंने ये ट्रेलर रिव्यू के टाइम ही कहा था भाई ये पिक्चर बड़ी ओपनिंग नहीं ले रही है एंड ये फ्लॉप डिजास्टर जाती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। और एज आर नाउ देख लो क्या सिचुएशन चल रही है भाई, हम उनमें से नहीं है कि यार कोई भी आया ट्रेलर टीजर आ गया गाना आ गया भाई तारीफ़ करने बैठ जाए यहाँ पे एक दो सब्सक्राइब के लिए, भाई ऐसा नहीं है। जो रियलिटी दिख रही है वही बताने की कोशिश है वो करते हैं। हाँ सब मेरे को गाली पड़ती है यार क्या बता रहे हो तुम, ऐसा नहीं वैसा नहीं है भाई, एक तो बताना पड़ता है वो हिम्मत चाहिए ठीक। एंड आज भाई कहीं ना कहीं ये 2.5 करोड़ के आसपास आप पकड़ लो, मैक्स टू मैक्स भाई इतना बिजनेस आ सकता है 2.5 करोड़ जो गाइस मुझे ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, चलो भाई मोटा मोटा पकड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेदा की बात करें तो पहले दिन नियरली 7 करोड़ के आसपास नेट की है भाई। क्या किसी ने सोचा था कि बेदा ज़्यादा बिजनेस करेगी खेल खेल से, मल्टी स्टारर पिक्चर है खेल खेल पर स्ट्रगल तो की है। 96 लाख एडवांस हुआ आज के लिए बेदा का 96 लाख, तो कहीं ना कहीं भाई 3-3.5 करोड़ के आसपास हम नेट की उम्मीद करते हैं आज के दिन भाई बेदा इतना नेट है वो करके दिखाए। लेट्स सी गाइस देखते हैं कि इतना आ पाएगा या फिर नहीं। ये कुछ भाई नज़ारा है, ये कुछ भाई सिनेरियो रहा है बोथ का, लेट्स सी देखते हैं। अभी देखो खेल खेल का कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसे वर्किंग डे स्टार्ट होंगे तो भाई नंबर ड्रॉप हो जाएगा, ये भाई फ्लॉप अगेन जाने वाली है। एंड बेदा की बात करें लेट्स सी गाइस अभी देखते हैं आने वाले फ्यू डेज में, क्या पता भाई ये पिक्चर थोड़ा हमें जंप भी देखने को मिल सकता है। अभी ये ट्यूजडे वेडनेसडे देखना है कि हमें क्या नंबर है वो देखने को मिलेगा। वीक डेज की बात कर रहे हैं आगे, हाँ अगला वीकेंड फिर से हमें हॉलीडेज है वो देखने को मिलेंगे, बट वर्किंग डे में अगर अच्छा होल्ड देखने को मिला तो कहना होगा कि बेदा भाई लंबी रेस का घोड़ा हो सकती है, बट खेल खेल का कहना होगा कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता। ये दैट इज़ क्लैरिफाई कि भाई ये पिक्चर 50 करोड़ भी नेट कर ले यहाँ से तब भी बड़ी बात है। बाकी भाई कर लो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।